जो लोग पहले, जैसे आपने देखा ना कभी कभी आप जब यू स्पेशल में चढ़ते हैं तो जो पहले सीट में जो बैठ जाते हैं वो कभी सीट को छोड़ते नहीं। एक किस्म से यूएन भी ऐसा ही है कि जो बैठ गए, जो बैठ गए उनको लगता है कि हमारा हमारा हक है। दुनिया का सबसे बड़ा देश पॉपुलेशन के हिसाब से, पांचवा इकोनॉमी, उसको आप बाहर कितने दिन के लिए रख सकते? सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप्स शुड अंडरगो अ चेंज। सो हिस्ट्री इज ऑन आवर साइड। भारत राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के लिए किस प्रकार परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने का भारत का लक्ष्य अभी अधूरा है? महोदय, भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है। यह उपलब्धि भारत को किस प्रकार से अस्थायी सदस्यता के लिए एक प्रमुख कारण बन सकता है? देखिए, ये अभी जो यूएन जो है इसकी आर्किटेक्चर जो है 1940s में बनी थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय। और उसके जब बनी थी, आप याद रखिएगा कि उस समय कुल मिला के यूएन, पूरे यूएन की सदस्यता जो थी वो करीब 50 देश थे। अब वो चार गुना बड़े हैं। अभी दुनिया में करीब यूएस के दुनिया में करीब 200 देश। तो जो आप सोचे कि कोई भी व्यवस्था जब 50 मेंबर्स होते हैं और अब वो व्यवस्था जो है 50 से 200 हो चुकी है, तो ये कैसे संभव है कि वही लोग जो 50 को चलाते थे वो 200 को चलाएं? तो ये परिवर्तन तो आएगा, ज़रूर आएगा। पर इसमें क्या होता है कि जो लोग पहले, जैसे आपने देखा ना कभी कभी आप जब यू स्पेशल में चढ़ते हैं तो जो पहले सीट में जो बैठ जाते हैं वो कभी सीट को छोड़ते नहीं। वहीं आप खड़े हो, बस कहीं भी जा रही हो तो वो बैठे रहेंगे, वहाँ आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। तो क्या होता है कि एक किस्म से यूएन भी ऐसा ही है कि जो बैठ गए, जो बैठ गए उनको लगता है कि हमारा हमारा हक है। अब ये बाकी दुनिया नहीं मानेगी, क्योंकि आज अगर आप देखें सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप से एक भी अफ्रीका का देश नहीं, एक भी लैटिन अमेरिका का देश नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा देश पॉपुलेशन के हिसाब से, पांचवा इकोनॉमी, उसको आप बाहर कितने दिन के लिए रख सकते? और जब आप रखेंगे इनको बाहर, उस क्या होता है कि क्रेडिबिलिटी, नुकसान किसको पहुंचता है? नुकसान जो है यूएन को होता है, क्योंकि यूएन की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो यूएन के कुछ भी निर्णय हो तो बाकी कहते हैं कि भाई वही पांच उन्होंने लिया। तो आज मुझे लगता है ये अगर आप एक डेमोक्रेटाइजेशन की परिप्रेक्ष्य से देखें, क्रेडिबिलिटी की सोचें, संख्या की कहीं आप जान लें, तो मुझे लगता है ये ज़रूर ये परिवर्तन आएगा। और हाल ही में जब हम लोग साउथ अफ्रीका गए थे ब्रिक्स में, तो इस बार ब्रिक्स की कलेक्टिव पोजीशन जो है ये भी आगे बढ़ी है कि पहली बार ब्रिक्स ने कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप में, मेंबरशिप्स इंक्लूड, सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप्स शुड अंडरगो अ चेंज। सो हिस्ट्री इज ऑन आवर साइड। आई कैन टेल इट, यूएन विल चेंज। The people, the countries, the people, the forces who are blocking it will keep trying, but eventually it will happen.